अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम आटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 15 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम सर्कल कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सर्कल कमांड क्या होती है, कैसे काम करती है, और आज के लेसन में हम डिफरेंट टाइप्स के सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे। आप सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आटो कैड को ओपन करूँगा। सर्कल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, एक सर्कल है, सर्कल रेडियस है, डायमीटर है, टू पॉइंट सर्कल है, थ्री पॉइंट है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है और टेंजेंट 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 सर्कल है। इसकी शॉर्ट कमांड जो है वो है सी एंटर। सी एंटर करें, अब देखें यहाँ पे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ में जाके तो आप यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो पहले सर्कल रेडियस पे डिस्कस करते हैं, सर्कल रेडियस क्या और सर्कल क्या। सी एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। तो रेडियस में इसको देता हूँ जी 10, एंटर करता हूँ, ये रेडियस आ गया। अब इसमें डायमीटर देता हूँ सी एंटर, मिड पॉइंट से देता हूँ इसको मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। डायमीटर के लिए डी एंटर करूँगा और डायमीटर इसको देता हूँ 10। अब देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब मैंने डायमीटर भी 10 दिया और ये भी 10 दिया। अब जो रेडियस होता है वो ये होता है, और डायमीटर जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है। मेरे अगर मैं इसको 10 देता हूँ, अगर मैं इसको देता हूँ 20, देखिए 20 दूंगा मैं इसके साथ, ये बराबर हो जाएगा। सी एंटर करता हूँ, डायमीटर डी, और मैं इसको दूंगा 20, देखिए बिल्कुल इसके साथ बराबर हो गया। मूव करता हूँ, एम एंटर किया मैंने शॉर्टकट मूव के लिए, तो देखें ये बिल्कुल बराबर हो गए। तो डायमीटर जो होता है वो सर्कल से हाफ होता है, डायमीटर हमेशा रेडियस से हाफ होता है। अगर आप डायमीटर देते हैं तो वो रेडियस से हमेशा हाफ 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 होगा। ओके, तो सर्कल से डिस्कस करते हैं, सर्कल में क्या है। सबसे पहले सर्कल रेडियस है, अभी जो मैंने काम किया सर्कल रेडियस है, रेडियस को मैं दूंगा 10, तो ये रेडियस आ जाएगा। और अगर मैं इसको दूंगा डायमीटर में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डायमीटर में इसको देता हूँ 10, डायमीटर से कम है, डायमीटर 20 दूंगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टू पॉइंट सर्कल। टू पॉइंट सर्कल अगर देखें, अगर मैंने सर्कल ड्रॉ करने में यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं जब सर्कल ड्रॉ करूँगा नॉर्मल, तो मेरे पास यहाँ पे देखें मैं यहाँ से यहाँ तक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखें उससे बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से यहाँ सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकता। सी एंटर करता हूँ फिर से, इस कॉर्नर से मैं इस कॉर्नर पर करूँगा, तो देखें यहाँ से मूव हो रहा है, फैल रहा है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल जेड करें, मैं चाहता हूँ इन दोनों पॉइंट के बीच में सर्कल ड्रॉ हो, उसके लिए आप यहाँ पे टू पॉइंट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। टू पॉइंट पे क्लिक करें, एक पॉइंट ये दे दिया मैंने और एक पॉइंट ये दे दिया, टू पॉइंट सर्कल आ गया। टू पॉइंट सर्कल बाद थ्री पॉइंट सर्कल। थ्री पॉइंट सर्कल का फंक्शन ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल तीन सर्कल है, मैं तीन पॉइंट पे सर्कल देना चाह रहा हूँ, इन तीनों के बीच में सर्कल में देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं थ्री पॉइंट सर्कल यूज़ करूँगा। सर्कल थ्री पॉइंट सर्कल पे यूज़ करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखें तीनों पॉइंट के बीच में हमारा सर्कल लग गया, देख सकते हैं सर्कल ड्रॉ हो गया। ओके, इसके बाद एक और है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है, मीन दो मेरे पास यहाँ पे दो सर्कल है, इन दोनों के टेंजेंट के साथ मैं इसको रेडियस में देता हूँ, मैं चाहता हूँ इतने रेडियस भी उतना हो और इन दोनों के टेंजेंट के साथ मिल जाए, तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस पे क्लिक करता हूँ, तो ये इसका टेंजेंट होता है, टेंजेंट टेंजेंट दे दिया, रेडियस में इसको देता हूँ 12, देखें बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ, अटैच हो गया खुद ही, देख सकते हैं जितना ज़्यादा आप थे, ये इसका टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को देता हूँ मैं 10 या मैं 5, 5 अब नहीं अप्लाई करेगा क्योंकि 5 यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं रहा, इसका रेडियस तो ज़्यादा होना चाहिए, रेडियस टेंजेंट टेंजेंट रेडियस में इसको देता हूँ 20, 20 पे हमारे पास क्या हो गया, रेडियस का बन गया। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के बाद है
टेंजेंट 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 है, मीन टेंजेंट यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे, इन तीनों का टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये देखें, ये टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट टेंजेंट फंक्शन है। तो ये था जी आपका सर्कल कमांड, और सर्कल पे हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टूल के साथ आएंगे, और आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ताकि आप इस पर आसानी से काम कर सकें। तो सर्कल बहुत सी जगह पे यूज़ होगा, आप सर्कल सिंबल बनाने में यूज़ होगा, इलेक्ट्रिकल का अक्सर सिंबल बनाएंगे हम सर्कल के थ्रू। तो चलो नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज, और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 15 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम सर्कल कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सर्कल कमांड क्या होती है, कैसे काम करती है, और आज के लेसन में हम डिफरेंट टाइप्स के सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे, आप सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करूंगा। सर्कल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, एक सर्कल है, सर्कल रेडियस है, डायमीटर है, टू पॉइंट सर्कल है, थ्री पॉइंट है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है, और टेंजेंट 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 सर्कल है। इसकी शॉर्ट कमांड जो है वो है सी एंटर। सी एंटर करें, अब देखें यहाँ पे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ में जाके तो आप यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो पहले सर्कल रेडियस पे डिस्कस करते हैं, सर्कल रेडियस क्या और सर्कल क्या। सी एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। तो रेडियस में इसको देता हूँ जी 10, एंटर करता हूँ, ये रेडियस आ गया। अब इसमें डायमीटर देता हूँ, सी एंटर, मिड पॉइंट से देता हूँ इसको मैं, सर्कल ड्रॉ करता हूँ। डायमीटर के लिए डी एंटर करूंगा, और डायमीटर इसको देता हूँ 10। अब देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब मैंने डायमीटर भी 10 दिया और ये भी 10 दिया। अब जो रेडियस होता है वो ये होता है, और डायमीटर जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है। मैंने अगर मैं इसको 10 देता हूँ, अगर मैं इसको देता हूँ 20, देखिए 20 दूंगा मैं इसके साथ, ये बराबर हो जाएगा। सी एंटर करता हूँ, डायमीटर डी, और मैं इसको दूंगा 20, देखिए बिल्कुल इसके साथ बराबर हो गया। मूव करता हूँ, एम एंटर किया मैंने शॉर्टकट मूव के लिए, तो देखें ये बिल्कुल बराबर हो गया। तो डायमीटर जो होता है वो सर्कल से हाफ होता है, डायमीटर हमेशा रेडियस से हाफ होता है। अगर आप डायमीटर देते हैं तो वो रेडियस से हमेशा हाफ 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 होगा। ओके, तो सर्कल से डिस्कस करते हैं, सर्कल में क्या है। सबसे पहले सर्कल रेडियस है, अभी जो मैंने काम किया सर्कल रेडियस है, रेडियस को मैं दूंगा 10, तो ये रेडियस आ जाएगा। और अगर मैं इसको दूंगा डायमीटर में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डायमीटर में इसको देता हूँ 10, डायमीटर देखिए कम है, डायमीटर 20 दूंगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टू पॉइंट सर्कल। टू पॉइंट सर्कल अगर देखें, अगर मैंने सर्कल ड्रॉ करने में यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं जब सर्कल ड्रॉ करूँगा नॉर्मल, तो मेरे पास यहाँ पे देखें मैं यहाँ से यहाँ तक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखें उससे बाहर निकल रहा है, यहाँ से यहाँ सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकता। सी एंटर करता हूँ फिर से, या इस कॉर्नर से मैं इस कॉर्नर पर करूँगा, तो देखें यहाँ से मूव हो रहा है, फैल रहा है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल जेड करें, मैं चाहता तो इन दोनों पॉइंट के बीच में सर्कल ड्रॉ हो, उसके लिए आप यहाँ पे टू पॉइंट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। टू पॉइंट पे क्लिक करें, एक पॉइंट ये दे दिया मैंने और एक पॉइंट ये दे दिया, टू पॉइंट सर्कल आ गया। टू पॉइंट सर्कल बाद थ्री पॉइंट सर्कल। थ्री पॉइंट सर्कल का फंक्शन ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल तीन सर्कल है, मैं तीन पॉइंट पे सर्कल देना चाह रहा हूँ, इन तीनों के बीच में सर्कल में देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं थ्री पॉइंट सर्कल यूज़ करूँगा। सर्कल थ्री पॉइंट सर्कल पे यूज़ करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखें तीनों पॉइंट के बीच में हमारा सर्कल लग गया, देख सकते हैं सर्कल ड्रॉ हो गया। ओके, इसके बाद एक और है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है, मीन दो मेरे पास यहाँ पे दो सर्कल है, इन दोनों के टेंजेंट साथ मैं इसको रेडियस में देता हूँ, मैं चाहता हूँ इतने रेडियस भी उतना हो, और इन दोनों के टेंजेंट साथ मिल जाए, तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस पे क्लिक करता हूँ, तो ये इसका टेंजेंट होता है, टेंजेंट टेंजेंट दे दिया, रेडियस में इसको देता हूँ 12, देखें बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हो गया खुद ही।
देख सकते हैं जितना ज्यादा आप थे, ये इसका टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस को देता हूँ मैं 10 या मैं 5। 5 अब नहीं अप्लाई करेगा क्योंकि 5 यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, इसका रेडियस तो ज़्यादा होना चाहिए। रेडियस टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस में इसको देता हूँ 20। ठीक है 20 पे हमारे पास क्या हो गया, रेडियस का बन गया। ओके नेक्स्ट जो है हमारे पास है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस के बाद है टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट है मीन टेंजेंट यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे, इन तीनों का टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये देखें ये टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट, टेंजेंट फंक्शन है। तो ये था जी आपका सर्कल कमांड, और सर्कल पे हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टूल के साथ आएंगे और आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आप इस पर आसानी से काम कर सकें। तो सर्कल बहुत सी जगह पे यूज़ होगा, आप सर्कल सिंबल बनाने में यूज़ होगा, इलेक्ट्रिकल का अक्सर सिंबल बनाएंगे हम सर्कल के थ्रू। तो चलो नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।